भाई ने कहा था चार बेटे हैं और वालिद साहब का तरके का मकान था, उसमें बहनें भी शामिल हैं। फिर दो भाइयों ने अपना पैसा लगा कर उसको जो है 50 लाख का खर्चा करके कीमत। तो बात ये कि अब जब बंटवारा होगा तो क्या होगा। तो देखें इसमें तो ये देखा जाएगा कि जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया, अगर उन्हें लगाते वक्त कह दिया था कि ये हमारी तरफ से कर्ज़ा है, हम वो लगा रहे हैं, हम वापस लेंगे, फिर तो ले सकते हैं। ठीक, और अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो ये सिला रहमी है और अमूमन भाई बहन एक दूसरे के साथ करते ही रहते हैं कि चलो हम लगा देते हैं, ठीक है, हमारे भाई बहनों का ही फायदा ना, किसी और का तो नुकसान नहीं है ना, ये सोच के लगा देते, इसको सिला रहमी कहते हैं। लेकिन जब खुद के बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनको ये सोच आती है कि अब मैं सारा माल ले लूँ, बल्कि दूसरे के पास जो जा रहा है वो भी छीन लूँ। अमूमन लोगों की ये कैफियत होती है। तो उसमें ये देखा जाएगा कि अगर शुरू में गवाह बना के उन्होंने कहा था कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम लेंगे वापस, तो फिर तो ये ले सकते हैं, वरना तबर्रो एहसान है वो उसी में शामिल हो जाएगा। और बंटवारा सबके अंदर जो शरीयत के मुताबिक है, भाइयों में बराबर बराबर, बहनों में उसका नसीब नसीब होगा। ठीक है।